केशव जी मेरे साथ हैं, आप सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये प्रॉमिस मैं आपसे भी चाहूंगा इस लाइव कवरेज में। क्या क्या चुनाव के बाद कोई भी परिस्थिति में भाजपा के साथ जा सकते हैं? हमारे जो भी प्रत्याशी लड़े हो समाजवादी पार्टी के सिंबल पड़े, हमें जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात आपको बताऊं, दूसरी बात बताऊं कि महान दल को जो मैंने अभी बैठे बात कर रहा था कि पार्टी इस चुनाव में मिला क्या आपको, जब आपके सारे प्रत्याशी उनके सीट पर लड़े हैं, आपको क्या मिला, महान दल कहाँ रह गया? हमारे परिवार के लोग भी लड़े हैं महान समाजवादी पार्टी के सिंबल पे और परिवार के लोग विधायक बन रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों जो सर्वे करने वाले एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं, इन्होंने महान दल के वोट को कहीं गिनती नहीं किया कहाँ है। बिजनौर से लेकर आगरा तक और पीलीभीत से लेकर हरदोई तक हर जगह महान दल का वोट नहीं, गिनती नहीं है कि कितना गया। और मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ रही है ना, 47 से बढ़कर करीब 100 सीटें बढ़ती दिखाई दे रही है। मैंने देखा, हो सकता है कि महान दल के लोग भी हो। मैंने देखा कि दूसरे तीसरे चौथे पेज में जो वोट आपने गिनती किया है वो कतई टैली नहीं कर रहा है। मैं आपको इसका उल्टा बताऊंगा। आप बोल रहे हैं तीसरे चौथे फेज में आपके बहुत अच्छा करने वाले हैं। दूसरे तीसरे चौथे फेज में 80% सीट समाजवादी पार्टी जीत। मैं आऊंगा, मैं पूछूंगा, मैं पूछता हूँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो शिकायत है केशव प्रसाद जी की, उनको हमें ध्यान देना होगा। लेकिन इसका कारण ये है सुमित जी कि ये इतने छोटे दल हैं, ये क्लस्टर्ड बेस्ड पार्टियां हैं, इनका प्रभाव एक खास एरिया में है, पैन यूपी इनका असर नहीं है। इसलिए इस पर इनका जो सीट होता है, इनको जो कहना है कि हम हमारे असर से बहुत ज्यादा विजय हो जानी चाहिए थी, वो दो दिन का वक्त और है, दो दिन के बाद 10 तारीख को देख लेंगे। क्या केशव जी ठीक बोल रहे? एक सवाल, क्या राष्ट्रीय लोकदल का असर पूरे प्रदेश में, महान दल का फिर भी ज्यादा असर था, वो गिनती में नहीं, क्योंकि हम मीडिया में महत्व नहीं रखते। अरे आप अगर महत्व नहीं रखते तो आप हमारे साथ यहाँ कैसे खड़े हैं भाई, मीडिया में खड़े कि नहीं? आपस में लड़ नहीं रहे, हम एक उदाहरण बता रहे हैं कि हम जिन विधानसभाओं में हमारा वोट है वहाँ गिना नहीं गया। और गिन लीजिएगा, आपको 10 तारीख को सब पता चल जाएगा। 10 तारीख दूर नहीं है। ये सच है कि महान दल के आने से, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आने से समाजवादी पार्टी का कुछ वोट बढ़ा, ये सच है। लेकिन मैं उतनी ही सच्चाई के साथ बता रहा हूं, परिणाम आते ही महान दल दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बाहर फेंक दी जाएगी, जयंत चौधरी जी की पार्टी ऐसे निकाल के बाहर फेंक जाएगी। सपा का यही चरित्र बोल रहे हैं राकेश, अभी से पॉलिटिक्स शुरू कर दिए भाई, फूट डालो नहीं, फूट डालो नहीं, हम तो अखिलेश यादव जी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कह रहे हैं। 2017 में ऐसे किया, दो युवाओं का साथ यही पीछे होटल में इन्होंने, राजभर जी को इन्होंने भी निकाला था, राजभर जी को इन्होंने पिछली बार नहीं निकाला था। मैं सपा सपा में बात हो रही जिला, देखिए ये बीजेपी का चरित्र है बांटने का, डिवाइड और एंड रूल करने का, हा? लेकिन समाजवादी पार्टी का है सबको लेके चलने का। तो सचिव बुआ का साथ छोड़ दिया आपने, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया आपने। हमारे नेता किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी है, और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहला ये चुनाव है जो माननीय अखिलेश यादव और गठबंधन ने ऐतिहासिक मतों से जीतने का। राजपाल कश्यप जी, अनुपम मिश्रा जी और केशव देव मौर्य जी, ये तीनों लोग मिलकर चुनाव लड़े हैं, और तीन प्रत्याशी यहाँ थे एक साथ, तीन पार्टी के, सपा गठबंधन के और राकेश त्रिपाठी अकेले थे। राकेश आपने जमकर मुकाबला किया इस डिबेट में आपका इनके सामने। खान साहब, बद्री जी, अतर साहब, राकेश, केशव जी, सुरेंद्र जी, राजपाल जी और मिश्रा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी 10 तारीख नहीं है, ये सी वोटर का सर्वे था, 10 तारीख का इंतजार है, उसके बाद ये कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल आपको बैक टू स्टूडियो ले चलता हूँ। यहाँ पे शशि शेखर जी आपका भी धन्यवाद, मनीषा जी आपका भी धन्यवाद, यहाँ बहुत शोर है, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, ओवर टू यू ब्रेक। ABP News आपको रखे आगे।